सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रिंस और आज की वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं रिव्यू करूँगा कंट्री डिलाइट के काओ मिल्क का, और उसकी मलाई भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी आती है कंट्री डिलाइट के काओ मिल्क के ऊपर मलाई। और इसके साथ ही मैं आपके साथ अपना रेफरल कोड जो है वो शेयर करूंगा, जिसको यूज करके अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 150 रुपीज। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कंट्री डिलाइट के प्रोडक्ट्स के ऊपर। काफी सारे प्रोडक्ट्स मैंने वहाँ परचेज किए थे और वहाँ पे भी काओ मिल्क जो था वो मैंने परचेज किया था, बट वो जो था वो टेट्रा पैक वाला था। और उसके बाद बफेलो मिल्क को भी परचेज करके मैं उसका रिव्यू कर चुका हूँ, उसकी मलाई जो है वो सब कुछ शो कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन के ऊपर भी मैं दे दूंगा, तो वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, और इसके अंदर देखते हैं कि काओ मिल्क जो है इनका उसकी मलाई कैसी आती है और किस तरह की उसकी क्वालिटी है। सो कंट्री डिलाइट की आजकल आपने काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा नाम बना रहे हैं कंट्री डिलाइट वाले अपना। मुझे भी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ठीक लगे हैं जितने भी मैंने अभी तक यूज़ करे हैं। ये वाला काओ मिल्क जो रह गया था पिछली वीडियो के अंदर, मैंने टेट्रा पैक को अनबॉक्स किया था, आज यहाँ पे इसको देखते हैं हम, जो इनका नॉर्मल काओ मिल्क आता है इसकी कैसी क्वालिटी है और इसकी मलाई के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 4 पैकेट जो है 500 ml के परचेज किए हैं कंट्री डिलाइट की ऐप से ही। सो इनकी कंट्री डिलाइट के नाम से ऐप आती है, आपको iOS और एंड्रॉयड दोनों में वो मिल जाएगी। उसको आप डाउनलोड करके घर बैठे ही जो है दूध को ऑर्डर कर सकते हैं या बाकी प्रोडक्ट्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आपको अपने रेफरल कोड भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको मेरा रेफरल कोड जो है वो मिल जाएगा। अगर आप उसको यूज़ करके ऐप को डाउनलोड करेंगे और पहला रिचार्ज करेंगे तो आपको जो है 150 रुपये मिल जाएंगे और 150 रुपये मुझे भी मिल जाएंगे। करना क्या होगा, आपको सिर्फ वो वाला कोड डालना होगा रेफरल कोड, और पहला रिचार्ज आपको मिनिमम 150 से करना होगा। जैसे ही आप 150 से पहला रिचार्ज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 150 आ जाएंगे, यानी कि आपके पास 300 रुपये हो जाएंगे, और उसके बाद जो है आप उसको ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं, जो भी आप मंगवाना चाहते हैं कंट्री डिलाइट की ऐप से। अब फटाफट से इनकी पैकेजिंग देखते हैं और प्राइस भी मैं आपको दिखाता हूँ इनके पैकेजिंग के ऊपर। कुछ इस तरह की पैकेजिंग है, आपको यहाँ पे मिलता है 500 ml का ये पैक, आप देख सकते हो यहाँ पे 500 ml का ये पैक है कंट्री डिलाइट काओ मिल्क। और पीछे की तरफ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाता है इनकी कुछ न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हैं इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, तो स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये अपने आप को कहते हैं द ऑनेस्ट मिल्क कंपनी, या ऊपर की तरफ लिखा हुआ है द ऑनेस्ट मिल्क कंपनी, इंडिया की कंपनी है। और ये ऐसा कहते हैं कि हम जो है ये काओ मिल्क है, ये जो इंडियन ब्रीड काउज होती हैं देसी गायें, इसका ही दूध यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे फटाफट से मैं इसका प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बेस्ट बिफोर डेट भी देख सकते हो, और यहाँ प्राइस आपको दिख जाएगा 38 रुपीज़ का। तो 38 रुपीज़ का यहाँ पे आपको 500 ml का जो है यहाँ पे एक पैक मिलता है, यहाँ पे मैंने ऐसे 4 मंगवाए हैं। अब फटाफट से इसको कट करके देखते हैं कि किस तरह का इनका मिल्क है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मलाई भी देखेंगे इसकी कैसी है। सो अब यहाँ पे इनके पैकेट्स को कट करके यहाँ पे हम दूध को जो है एक कंटेनर के अंदर पलट के देखते हैं कि किस तरह की इसकी थिकनेस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह की थिकनेस है दूध की, और मैं आपको बता देता हूँ कि गाय का जो दूध होता है वो भैंस के मुकाबले बफेलो मिल्क से जो है वो थोड़ा सा पतला ही होता है। और यहाँ पे आंखों से देखने में मुझे हल्का सा येलोइश कलर भी दिख रहा है यहाँ पे दूध में, कैमरा में शायद उतना अच्छे से नहीं आ रहा होगा। और जैसे कहते हैं कि गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा सा येलो होता है तभी वो ओरिजिनल होता है। अब फटाफट से इसको बॉयल करते हैं, उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे और देखेंगे किस तरह की इसके ऊपर मलाई आती है। तो कुछ देर बाद यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था, और आप देख सकते हो आप कि इसके ऊपर किस तरह की जो है यहाँ पे मलाई आ चुकी है। मलाई के ऊपर भी जो है आपको येलोइश कलर यहाँ पे कैमरे में भी इनफैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि कहा जाता है कि येलो होता है तो गाय की मिल्क की जो मलाई होती है या जो दूध होता है तो वो ओरिजिनल की पहचान होती है। फटाफट से यहाँ किसी स्पून से मैं आपको इसकी मलाई की थिकनेस भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की जो है इसकी थिकनेस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह की थिकनेस आपको यहाँ पे मिल रही है, तो अच्छी खासी थिक यहाँ पे मलाई हमें मिल जाती है। इसको किसी और कंटेनर के अंदर भी मैं यहाँ पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ खाली मलाई को, तो आप देख सकते हो कि अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हमें यहाँ पे जो है ये मलाई मिल गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है बिल्कुल देसी गाय की होती है, और आपको पता होना चाहिए कि भैंस के मुकाबले जो है इसकी मलाई भी कम आती है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भैंस की मलाई जो थी वो इससे ज़्यादा आई थी, बट यहाँ पे भी आपको अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो है मलाई मिल जाती है। और इसके दूध को और मलाई को भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, तो दोनों का जो टेस्ट है मुझे अच्छा लगा था, यहाँ पे ओरिजिनल लग रहा था, ऐसा बिल्कुल भी पानी मिला हुआ इसके अंदर नहीं लग रहा था, और ना ही हमने यहाँ पे इसके अंदर एक बूंद भी पानी मिलाया था।
बिना पानी मिले दूध की इतनी मलाई यहाँ पे आपको मिलती है। हालांकि जितनी एडवर्टीजमेंट्स में आपको दिखती है कि ज्यादा मोटी मलाई आती है उतनी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, बट फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे दूध का आप कलर भी देख सकते हो और उसका जो है यहाँ पे थिकनेस भी आप देख सकते हो। और मलाई की थिकनेस तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट के मामले में भी बात करूँ तो ठीक लगा मुझे, गाय का जैसे दूध होता है वैसे अच्छा यहाँ पे स्वाद टेस्ट आया है। सो ये था यहाँ पे कंट्री डिलाइट के काउ मिल्क रिव्यू। और अगर आप भी ऐप को डाउनलोड करके और कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड को जरूर यूज कीजिएगा, आपको भी 150 रुपये उससे मिल जाएंगे। उसका जो कोड है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसके अलावा आप मेरी दूसरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बफेलो मिल्क और बाकी के प्रोडक्ट्स को भी रिव्यू किया था। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।